जी हाँ, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है बैंगलोर की। आप दिन भर घर से बाहर हैं, अपने बच्चे को एक सुनहरा भविष्य देने के लिए पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो बच्चा किसी ट्रैफिक सिग्नल पर एक भिखारी की गोद में है और उसके हाथ में कटोरा है। वरिष्ठ मनोचिकित्सक संदीप बोरा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। बोरा साहब, ये बताएं कि इमेजिन करना भी मुश्किल है, कल्पना करना भी मुश्किल है कि 7 महीने का वो बच्चा है वो किस ट्रॉमा से गुजरा होगा। देखिए, इस तरह के केस में जैसे बताया जा रहा है कि एक तरफ तो उसको इस तरह से मतलब भिखारियों के हाथ में दिया गया, उसके अलावा उसको नशे की गोलियां भी दी गई, तो बच्चे के ऊपर शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों रूप से बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा होगा। ये तो अभी खुशकिस्मती मैं कहूंगा इस कपल की, इनको पता लग गया। अब मान लीजिए, सोचिए कि पता ना लगता तो पता नहीं क्या सिचुएशन हो जाती। तो इस तरह के केस में जब एक तरफ बच्चा वैसे भी डिप्राइव हो रहा है, उसको पेरेंटल इंटरेक्शन कम मिल रही है, उसके अलावा अगर बच्चे को आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में डाल देते हैं या उसके ऊपर किसी भी तरह की मानसिक प्रताड़ना आप डालते हैं या करते हैं, तो वो चीज जो है बच्चे के ऊपर एक तरह से मानसिक रूप से इतना ट्रॉमा पैदा कर सकती है कि वो आगे आने वाले समय भी बच्चे के ऊपर उसका बुरा असर रहे। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, लॉन्ग टर्म इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इस बच्चे के ऊपर? ये डिपेंड करता है कि बच्चे का 7 महीने का बच्चा बहुत छोटा है, उसको कितने देर से ये चल रहा था, और बच्चे की अपनी इनहेरेंट कैपेसिटी टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस, जो कि 7 मंथ्स में एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है। बट ये जरूर है, कोई भी ट्रॉमा अगर बहुत लंबा चलता है तो उसके ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं नेगेटिव रूप में, और कोई ट्रॉमा बहुत कम देर के लिए हो या रेजिलियंस पावर अच्छी हो बच्चे की, तो उसमें से वो निकल सकता है। तो ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है, अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा देर तक, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो और ज्यादा देर तक चले, उसका असर ज्यादा देर तक रह सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ हफ्ते ये बच्चा इस ट्रॉमा से गुजरा है, तो क्या साइंस हैं जो पेरेंट्स देख सकते हैं, जिनसे उन्हें पता लग सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, वो अकेले अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, जब लौट रहे हैं, तो क्या साइंस है जो बच्चों में दिख सकते हैं? देखिए, आपको पहली चीज तो देखिए, आज की डेट में क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो मेट्स एक तरह की नेसेसिटी हो चुकी है वर्किंग कपल्स के लिए। तो आपका अगर आपको लगता है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन अगर मेरे से पूछेंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स या कोई बड़ा वाला बच्चे के साथ रहे, जिन जिन घरों में पॉसिबल है तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस है। जहां नहीं प्रेफरेंस, जो पॉसिबल नहीं है, तो अगर मेट्स की बात आती है तो आपको बच्चे के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करना जरूरी है। बच्चे का जो इंटरेक्शन आपके साथ है उसमें आपको कभी भी लगता है किसी भी स्टेज पर कि वो बच्चे का व्यवहार बदल रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चा खाना पीने से मना कर रहा है, बच्चे की नींद में दिक्कत हो रही है, बहुत कम सो रहा है, बहुत ज्यादा सो रहा है, या किसी भी तरीके का अजीब बिहेवियर अगर होता है, तो इसका मतलब आपको जरूर एक रियलिटी चेक करना चाहिए कि क्या हो रहा है, कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। जी बिल्कुल, तो ध्यान रखना है आपको उन तमाम चीजों का, जिससे आपको पता लग सके कि आप जिसके हवाले अपने नन्ही सी जान को करके जा रहे हैं वो उसका ख्याल ठीक से रख भी रहा है या नहीं। क्या ऐसे मासूम पर कोई जुल्म कर सकता है? जी हाँ, ऐसे जुल्म किए जा रहे हैं, वो भी उसकी वो आया जिसे माँ का दर्जा हासिल है।